यूएफटी फोर्थ। जनपद मुख्यालय बांदा के मध्य में स्थित मां माहेश्वरी देवी का विशाल मंदिर है। यह मंदिर देवी शक्ति पीठों में से एक है। यहां पर मां माहेश्वरी देवी पत्थर की शिला के रूप में प्रकट हुई थी, जिनके दर्शन के लिए सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं। शारदीय व चैत्र नवरात्र में यहां विशाल मेला लगता है। मनोकामना पूर्ण होने पर माथा टेकने आते हैं। जहाँ आज प्रसिद्ध माहेश्वरी देवी मंदिर है, वहाँ पहले बलखंड पाताल नाम का घना जंगल था। उस समय बांदा के नाम पर छोटी बाजार, खुटला व अर्दली बाजार था। बाकी स्थान पर जंगल ही जंगल था। जहाँ आज कलेक्टरगंज के, वहाँ एक तालाब था। कुम्हार इसी तालाब से बर्तन बनाने को मिट्टी ले जाते थे। कहा जाता है कि एक कुम्हार को मिट्टी की खुदाई करते समय देवी की प्रतिमा प्राप्त हुई थी, जो एक शिला के रूप में थी और शिला काफी गहराई में दबी थी, जहाँ की चारों तरफ से मिट्टी हटाई गई। इसी देवी प्रतिमा की लोग पूजा करने लगे। आजकल नवरात्रि में, अष्टमी और नवमी में देवी भक्त गीत गाते हैं, तो उसमें एक देवी गीत में इसका उल्लेख मिलता है। बताते हैं कि माहेश्वरी नामक एक हिंदू कारीगर था, जो सारा दिन मस्जिद में कार्य करता था। जो निर्माण कार्य में सामग्री बचती थी, तो उसे लेकर वह खुले आसमान के नीचे रखी देवी प्रतिमा के लिए मढ़िया बनाने में जुट जाता था। उस समय अर्दली बाजार कटरा में बेगम साहब की सराय में बेगम रहती थी, जिनके यहाँ नवाब साहब आते जाते रहते थे। एक दिन जब वह बलखंड पाताल जंगल से गुजर रहे थे, तब दिए की रोशनी में माहेश्वरी को मंदिर के निर्माण में लीन देखा। उन्होंने माहेश्वरी से कहा कि कल से तुम पहले इस मंदिर का निर्माण करो, मस्जिद निर्माण का कार्य बाद में करना। इस तरह बांदा नवाब ने मंदिर निर्माण कराकर बांदा में हिंदू मुस्लिम एकता की नींव डाली। हालांकि कुछ दिनों बाद आंधी पानी में माहेश्वरी कारीगर का बनाया मंदिर ध्वस्त हो गया था। इस बीच चौधरी पहलवान सिंह के परिवार ने मंदिर का निर्माण कराया। क्या कहते हैं पुजारी, मंदिर अति प्राचीन है। यहाँ दूर दूर से लोग माथा टेकने के लिए आते हैं और मन्नतें मांगते हैं। जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है, वह माँ को चढ़ाने में वह माँ को चढ़ाना भी चढ़ाते हैं। यहाँ शारदीय व चैत्र नवरात्रि को मेला लगता है। दूर दूर से लोग माथा टेकने व पूजन अर्चन को आते हैं। माँ के दरबार में जो भी मुराद मांगी जाती है, वह पूरी होती है। जी माता जी, जो जी क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं आप लोग? हम लोग दतिया से आए हैं। दतिया से आए, क्या कुछ आप लोगों की मान्यताएं हैं यहाँ पर, कैसे आए? बगैर माने पूरी हो जाती है, मतलब जो कुछ मांगते हैं वो सब माहेश्वरी दे देती है। बहुत पुरानी माहेश्वरी है। हम कुंवारे से यहाँ पर आ रहे हैं, अभी शादी हो गई है, फिर भी जब आते हैं दतिया, यहाँ बांदा दतिया से, तो माँ के मंदिर में जरूर आते हैं। सही, आप यहाँ ही बांदा के हैं? बांदा के हैं, और हमारी ससुराल है दतिया, जहाँ से कि आगे वहाँ से आते जाते हैं। जी।